Hello everyone and welcome to my channel Meraki YouTube. So in today's video we will be covering a new thinker, that is George Elton Mayo. तो George Elton Mayo की जितनी भी contribution रही है administrative theory के अंदर वो आज हम इस lecture में cover करें. Now just two things I want to mention here. Number one, कि काफ़ी कुछ कवर करना है आज की वीडियो में, तो आई विल ट्राई कि मैं अपनी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखूं. इन केस अगर आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा है तो आपके पास ऑप्शंस होता है सेटिंग में, आप स्पीड कम कर जो है वो वीडियो को देख सकते हैं. सेकेंडली, आई गेट अ नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट. कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हिंदी में कवर करवाइए, एंड सम से टू कवर द कॉन्टेंट और द क्वेश्चन इन इंग्लिश मीडियम. तो मेरे लिए अलग अलग पॉसिबल नहीं है बनाना, सो आई विल ट्राई कि मैं दोनों लैंग्वेजेस यूज़ करूँ, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, ताकि जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ जाए. यू गेट द बेसिक कॉन्सेप्ट वेदर यू आर एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और यू आर अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, राइट. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ. सो हेयर आर अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट एल्टन मेयो. सम प्रोनाउंस इट एज मेयो एंड सम प्रोनाउंस इट एज मायो. तो मायो बोलते हैं कुछ, मायो बोलते हैं कुछ, मेयो बोलते हैं, आई कॉल इट मेयो. तो एल्टन मेयो के बारे में मेन मेन फैक्ट्स क्या हैं? नंबर वन, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे बेसिकली, ठीक है, और साथ ही साथ साइकोलॉजिस्ट भी थे. उसके बाद ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थियोरी एज वेल एज द फादर ऑफ इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी. तो अगर आपको पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी, तो वो भी आपके एल्टन मेयो आएंगे. एंड इफ़ यू आर आस्क्ड हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थियोरी, देन ऑल्सो द आंसर वुड बी एल्टन मेयो. नाउ ही वॉज बॉर्न इन एडिलेड ऑस्ट्रेलिया इन 1880. तो इनकी जो पैदाइश थी वो ऑस्ट्रेलिया की है, बाद में जो है वो US से आ गए, तो इसलिए यहाँ पे हमने अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट बोला है. कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा होता है ऑस्ट्रेलिया बॉर्न सोशोलॉजिस्ट, राइट. नाउ ही रिसीव्ड MA इन लॉजिक एंड फिलासफी. उन्हें मास्टर्स डिग्री मिली किसके अंदर? लॉजिक एंड फिलासफी के अंदर. एंड ही ऑल्सो स्टडीड मेडिसिन फ्रॉम स्कॉटलैंड बट ड्रॉपड आउट बिफोर कम्प्लीशन. तो इन्होंने मेडिसिन की डिग्री भी शुरू करी स्कॉटलैंड से, लेकिन पूरी होने से पहले ही वो उनकी छूट गई है, उन्होंने छोड़ दी. नाउ ही स्टडीड साइकोलॉजी, ठीक है, जो मनोविज्ञान होता है उन्होंने वो भी पढ़ा. एंड केम आउट विद साइकैट्रिक ट्रीटमेंट फॉर सोल्जर्स सफरिंग फ्रॉम शेल शॉक ड्यूरिंग World War I. अब जब वॉर होती है तो उसमें कहीं बम फट रहा है, कहीं गोलियां चल रही हैं, तो उसकी जो साउंड से शॉक लग जाता है उसको ट्रीट करने के लिए भी एक साइकैट्रिक ट्रीटमेंट जो है वो लेकर आए कौन? हमारे जो एल्टन मेयो हैं वो. नाउ नेक्स्ट इज दैट ही वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ फिलासफी डिपार्टमेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड इन 1919. तो 1919 में उनको चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के अंदर, ठीक है जी. उसके बाद ही इमिग्रेटेड टू USA एंड बिकेम अ प्रोफेसर ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च एट ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. उसके बाद वो जो है ऑस्ट्रेलिया से चले गए, क्वींसलैंड से चले गए कहाँ पर? USA. और वहाँ पर वो बने प्रोफेसर कहाँ पर, किसके कौन से सब्जेक्ट के? इंडस्ट्रियल रिसर्च के, रिसर्च के प्रोफेसर कहाँ पर? एट ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. अब इनकी जो रिसर्च है मेयो की, इट वॉज फोकस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द वर्कर्स एंड देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, की जो बिहेवियर कैसा है वर्कर्स का और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, वर्कर्स कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं. कीपिंग इन व्यू द फिजिकल, द इकोनॉमिक, द फिजियोलॉजिकल एंड द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. सो हर जितने भी एस्पेक्ट्स पॉसिबल थे, हर एस्पेक्ट से सोचा है मेयो ने, हर सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंसीडरेशन में लिए, चाहे वो फिजिकल फैक्टर्स हों, चाहे वो इकोनॉमिक फैक्टर्स हों, चाहे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हों, या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हों. और इस सारी अप्रोच को जो उन्होंने फॉलो किया है अपने एक्सपेरिमेंट्स में, दैट मेयो रेफर्ड टू एज क्लिनिकल अप्रोच और क्लिनिकल मेथड. एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है नेट में कि उन्होंने कौन सा मेथड यूज़ किया, तो इट इज़ क्लिनिकल मेथड, ठीक है. ही यूज़ क्लिनिकल मेथड फॉर हिज रिसर्च. नाउ अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशंस ऑफ एल्टन मेयो की, इन्होंने कौन कौन सी कंट्रीब्यूशंस दी हैं, तो तीन मेन कंट्रीब्यूशंस हैं जो हम पढ़ते हैं. दे आर द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, जो कि 1933 के अंदर आई. देन द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन विच केम इन 1945, एंड द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन विच केम इन 1947. ये भी आपको जो है क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए एक और ऑप्शन दिया हुआ था इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो आपको बताना था कि कौन सी नहीं है, या फिर आई थिंक कौन सी है, तीन आपको बतानी थी. तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपने याद करना है. HSP ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की जो है बात एल्टन मेयो हमारे यहाँ पे नहीं करते हैं, राइट.
नाउ अब एल्टन म्यो ने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए, तो क्या इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स अकेले किए? वॉज ही अलोन? नो, ही हैड सम एसोसिएट्स विद हिम, ही हैड सम कलीग्स विद हिम। तो वो कौन थे, हु आर द एसोसिएट्स, कौन थे जिनके जिनके साथ मिलकर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया? तो ये छह लोग हैं मेन जिनका नाम आता है, इस पर भी शायद क्वेश्चन बना हुआ है। सो वन, फ्रिट्स रॉथलिसबर्जर, फ्रिट्स जे रॉथलिसबर्जर, ये इनके रिसर्च असिस्टेंट थे, ठीक है, सारा इनको असिस्ट करने का काम जो मेन हॉथहॉर्न एक्सपेरिमेंट्स है वो रॉथलिसबर्जर ने किया। सेकेंड वॉज विलियम डिक्सन, थर्ड टी नॉर्थ व्हाइटहेड, फोर्थ डब्ल्यू लॉयड, फिफ्थ ई वार्नर एंड सिक्स्थ एल जे हैंडरसन। तो ये छह एसोसिएट्स हैं एल्टन म्यो के, दीज आर द सिक्स कलीग्स और एसोसिएट्स ऑफ एल्टन म्यो विद होम ही कंडक्टेड हिज रिसर्च एंड स्टडीज, राइट। नाउ मेजर वर्क्स ऑफ रॉथलिसबर्जर, अब कई बार आप देखेंगे पेपर में बुक्स एंड ऑथर्स क्वेश्चन आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो मेन स्ट्रीम थिंकर्स हैं उन्हीं की बुक्स आएँ, और बुक्स भी आ जाती हैं। सो आपको यहाँ पर रॉथलिसबर्जर जो हैं, यू वॉज द रिसर्च असिस्टेंट ऑफ एल्टन म्यो, उनके वर्क्स भी पता होने चाहिए, राइट। सो यू शुड नो द वर्क्स ऑफ रॉथलिसबर्जर ऑल्सो। मेन तीन काम हैं इनके, तीन कॉन्ट्रीब्यूशन आती हैं। नंबर वन इज मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स विच केम इन 1939, इट वॉज इन कोलेबोरेशन विद डिक्सन। तो अकेला रॉथलिसबर्जर का काम नहीं था ये, डिक्सन के साथ मिलकर जो है रॉथलिसबर्जर ने मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स जो बुक है वो लिखी। सेकेंड वॉज मैनेजमेंट एंड मोरल, इट केम इन 1941, एंड द थर्ड वॉज ट्रेनिंग फॉर ह्यूमन रिलेशंस, इट केम इन 1954। तो ये तीन मेजर वर्क्स हैं किसके, रॉथलिसबर्जर के। जो हॉथहॉर्न ने एक्सपेरिमेंट्स हैं सारे के सारे, उनकी जो डिटेल्स हैं वो किस में पाई जाती हैं, द फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स विच केम इन 1939, इसके अंदर उनकी सारी डिटेल्स जो है हमें मिलती हैं, विच वॉज रिटन बाय रॉथलिसबर्जर इन कोलेबोरेशन विद डिक्सन। नाउ मेयो के अगर हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ें तो तीन मेजर एक्सपेरिमेंट्स जो हैं हमें पढ़ने को मिलते हैं, विच आर द फर्स्ट इंक्वायरी, द हॉथहॉर्न स्टडीज एंड द एब्सेंटीज़म इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। सो इफ़ वी गो थ्रू द मेन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेयो, वी कम अक्रॉस थ्री मेन एक्सपेरिमेंट्स विच आर द फर्स्ट इंक्वायरी विच केम इन 1923, विच वॉज परफॉर्म्ड इन 1923, द हॉथहॉर्न स्टडीज विच वर कंडक्टेड फ्रॉम 1924 टू 1932, एंड द थर्ड बींग एब्सेंटीज़म इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज विच टुक प्लेस इन 1943। तो इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सपेरिमेंट्स क्या थे। नाउ coming to the first experiment which is called the first inquiry which was performed in 1923, kyunki pehla experiment tha major Elton Mew ka to uska naam rakha gaya first inquiry. Now what happened was there was a textile mill near Philadelphia, right, Philadelphia is a town, usme ek textile uske paas ek टेक्सटाइल मिल था विच वॉज कंसिडर्ड अ मॉडल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऐसा नहीं है कि कोई बेकार ऑर्गेनाइजेशन थी, वो जो मिल था काफ़ी रेप्यूटेड मिल था, उसमें जो कंडीशंस थी वर्कर्स के लिए वो बहुत अच्छी मानी जाती थी, एक मॉडल ऑर्गेनाइजेशन उसको उस टाइम में कंसिडर किया जाता था, राइट। उसके जो एम्प्लॉयर्स थे, जो मालिक लोग थे, जो मैनेजमेंट थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी, ह्यूमेन थी, अच्छे से ट्रीट करती थी, रेप्यूटेड जो थे उनके एम्प्लॉयर्स थे, दे वर रेप्यूटेड एंड गुड ह्यूमन एम्प्लॉयर्स। नाउ लेकिन एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट था विच वॉज द म्यूल स्पिनिंग डिपार्टमेंट, उसके अंदर देवर फेसिंग कंटिन्यूस प्रॉब्लम। सो द म्यूल स्पिनिंग डिपार्टमेंट वॉज गोइंग थ्रू कंटिन्यूस प्रॉब्लम, राइट। प्रॉब्लम क्या थी, हायर जनरल लेबर टर्न ओवर। ना वॉट इज द मीनिंग ऑफ लेबर टर्न ओवर, मतलब कि जो लेबर है वो काफ़ी ज़्यादा छोड़ कर जा रही है, राइट, दे आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत ज़्यादा लोग जो थे लेबर थी वहाँ पर टिकती नहीं थी, दे यूज टू लीव द डिपार्टमेंट। तो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं थी, इट वॉज अ पर्टिकुलर म्यूल स्पिनिंग डिपार्टमेंट जहाँ पे ये प्रॉब्लम दिखी गई। तो अब जो मैनेजमेंट थी अच्छी थी, एम्प्लॉयर्स, उन्होंने काफ़ी सारे इंसेंटिव स्कीम्स जो थी इंट्रोड्यूस करी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कंडीशन वैसी के वैसी रही, एंड देयरफॉर द प्रॉब्लम वॉज रेफर टू द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ पर जो आपके मेयो हैं वो एक प्रोफेसर का काम कर रहे थे। सो अब मेयो ने जब पूरी जो सिचुएशन है उसको ऑब्जर्व किया, तो कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आई, प्रॉब्लम जब देखी तो वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी। नंबर वन, फुट ट्रबल इन ऑल वर्कर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, जो हमारा म्यूल स्पिनिंग डिपार्टमेंट था उसके जितने वर्कर्स थे उन सबके पैरों में छाले पड़े हुए थे, उनके पैरों में फुट प्रॉब्लम थी, राइट। एवरी वन हैड, ऑल द वर्कर्स इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वर हैविंग बॉयल्स इन देयर फीट, राइट। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी, नो कम्युनिकेशन बिटवीन द वर्कर्स
जिनको पीसर्स भी कहा जाता है ड्यू टू ग्रेट नॉइस ऑफ द मशीन्स एंड ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ जो मशीन्स को वो ऑपरेट कर रहे थे उनका शोर बहुत था, अ लॉट ऑफ नॉइज यूज टू कम फ्रॉम दोज मशीन्स एंड द वर्कर्स वर प्लेस्ड एट ह्यूज डिस्टेंसेज, देयरफॉर देयर वॉज नो सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन देम। थर्ड बींग द वर्कर्स वर टू टायर्ड टू एन्जॉय एनी सोशल इवनिंग्स पोस्ट वर्क, तो काम के बाद इतना थक जाते थे कि उनको कोई सोशल इवनिंग्स एन्जॉय करने का मौका नहीं मिलता था। अब बेसिकली देखो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, यू कैन लुक एट द पिक्चर ओवर हेयर। यहाँ पे जो मैंने दिखाया दिस इज अ स्पिनिंग म्यूल। स्पिनिंग म्यूल एक मशीन होती है जिसमें क्या होता है, द फाइबर्स आर कन्वर्टेड टू थ्रेड और यार्न, राइट, द फाइबर्स आर मेड टर्नड इन टू यार्न और थ्रेड। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है जो यहाँ पे खड़ा है इसको बोलते हैं पीसर। पीसर का काम क्या होता है, टू चेक कि धागा बीच में टूट ना जाए, और अगर टूट जाता है तो उसको साथ साथ जोड़ना पड़ता है। तो अब पहली बात क्या थी कि जो मशीन है काफ़ी लंबी थी, इट वॉज अराउंड 30 यार्ड्स। 30 यार्ड्स का आप मतलब लगा सकते हैं अराउंड एक मशीन 28 to 29 meters की जो लेंथ थी उसको ट्रैवल करनी पड़ती थी। ठीक है, नंगे पाँव वो चलते थे ताकि गंदा वगैरह ना हो जाए, बेयर फुट दे यूज टू बी, एंड एक एक उनको ध्यान से यहाँ देखना पड़ता था कि कोई धागा टूट तो नहीं गया, और मैनुअली ठीक करना पड़ता था। एक तो उनको इतना चलना पड़ रहा है नंगे पाँव, प्लस एक वर्कर के अंडर, एक पीसर के अंडर ऐसी 10 to 14 machines थी, राइट। तो वन वर्कर वॉज हैंडलिंग अराउंड 10 to 14 mules, स्पिनिंग म्यूल्स। तो ऑब्वियसली इतना चलना पड़ेगा इतने शोर के अंदर, तो उनको प्रॉब्लम तो होगी ही, पैरों में छाले भी पड़ेंगे और ऊपर से किसी से बात नहीं कर पा रहे, थक जाते थे। सो दीज वर मेयोज ऑब्जर्वेशंस। नाउ व्हाट वर द रिफॉर्म सजेस्टेड बाय मेयो, दीज वर इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्ट पीरियड्स। यहाँ सोशल इंट्रैक्शंस नहीं आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्ट पीरियड्स। तो उन्होंने क्या कहा, रेस्ट पीरियड्स दिए 10 10 मिनट्स के, 4 रेस्ट पीरियड्स उनको दिए गए। तो उनको उस टाइम में चलना नहीं पड़ता था, दे यूज टू वर्कर्स यूज टू रेस्ट, तो उनको काफ़ी आराम मिला। प्लस बोनस प्रोपोर्शनेट टू एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, कि अगर वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं तो उनको बोनस मिलेगा। ये जो है ये एल्टन म्यूल लिखे गए, पहले ये जो प्रोविजन था इट वॉज नॉट देयर इन द स्पिनिंग म्यूल डिपार्टमेंट। नाउ व्हाट हैपेंड वॉज कि ये जो रिफॉर्म्स लेके आए जा रहे थे दीज वर एट द लेवल ऑफ द वर्कर्स और द पीसर्स, राइट। जो इनके सुपरवाइजर्स थे जो हायरार्की में इनसे ऊपर थे, उनको आदत नहीं थी कि वो इन वर्कर्स को खाली बैठा देख सकें, सो दे यूज टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, राइट। तो उन्होंने कहा कि ऐसा सिस्टम कीजिए कि जो वर्कर्स हैं दे शुड अर्न देयर रेस्ट पीरियड, मतलब अगर वो इतना काम कर लेंगे, कुछ काम फिक्स कर दीजिए, अगर वो इतना काम कर लेते हैं तो उनको रेस्ट मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, एक बार तो काम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो प्रोडक्टिविटी है फिर से डिक्रीज होने लग गई। तो इस प्रोडक्टिविटी को फिर से कम होता हुआ देख कर जो मैनेजमेंट है उसने फिर से रेस्ट पीरियड जो है इंट्रोड्यूस कर दिए, और ताकि जो वर्कर्स हैं एंड जो सुपरवाइजर्स हैं, सो दैट बोथ कुड बी हैप्पी, दोनों खुश रहें, उन्होंने क्या करा, रेस्ट पीरियड्स कंपल्सरी करने के लिए कहा कि उस टाइम के लिए जो पूरा डिपार्टमेंट है वो बंद रहेगा, इट विल रिमेन शट फॉर दोज रेस्ट पीरियड्स, राइट। तो वर्कर्स हैं वो भी रेस्ट करेंगे एंड जो सुपरवाइजर्स हैं वो भी रेस्ट करेंगे। प्लस एक और जो काम किया गया, इट वॉज नॉट बाय एल्टन मेयो बट बाय द प्रेजिडेंट ऑफ द मिल, कि जो कंट्रोल ऑफ रेस्ट पीरियड्स था कि ये रेस्ट पीरियड्स किस किस टाइम पे लाने हैं, कैसे लाने हैं, इट वॉज इन द हैंड्स ऑफ द वर्कर्स। इसलिए क्या हुआ, उनके बीच में सोशल इंटरेक्शन होने लगी, डिस्कस करने के लिए कि किस टाइम पे करना है, कैसे करना है। तो दे यूज टू दे स्टार्टेड इंटरेक्टिंग सोशली, राइट। तो इससे भी क्या हुआ, उनकी एक जो पहले प्रॉब्लम थी वो कम्युनिकेशन ही नहीं करते थे, एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं होती थी, वो दूर हुई। एंड दीज रिफॉर्म्स जो जो ये सारे रिफॉर्म्स लेके आए गए, रेस्ट पीरियड्स के, बोनस के, ठीक है, ये सोशल इंटरेक्शन के, इससे क्या हुआ, जो प्रॉब्लम थी टर्न ओवर, लेबर टर्न ओवर की, वो ठीक हो गई एंड द प्रॉब्लम वॉज रिजॉल्व। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, मेयो इन हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एट फिलाडेल्फिया टेक्सटाइल मिल वॉज एबल टू प्रोब द प्रॉब्लम एज वेल एज प्रपोज रेमेडीज। तो ये था हमारा फर्स्ट इंक्वायरी। इसका डायरेक्ट रिलेशन हम नहीं कह सकते जो है ह्यूमन अप्रोच थ्योरी के साथ, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो एक यहाँ से हम कह सकते हैं हुई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ मेयो विच आर हॉथॉर्न स्टडीज विच वर कंडक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम 1924 to 1932। क्वेश्चन आया हुआ है कि पेपर में नेट किया कि हॉथॉर्न स्टडीज जो है कितने सालों तक कंटिन्यू की गई, तो इट वॉज 8 years फ्रॉम 1924 to 1932, यू हैव टू रिमेंबर। नाउ
दीज स्टडीज फॉर्म बेस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थियरी, यही जो आगे चल के ह्यूमन रिलेशंस थियरी आएगा उसका बेस है। ये एक्सपेरिमेंट्स कहाँ कंडक्ट किए गए? एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एट हॉथॉर्ने विच इज नियर शिकागो, राइट। नाउ दिस वॉज कंडक्टेड इन फोर फेजेस, चार फेजेस के अंदर, चार टुकड़ों के अंदर, चार पार्ट्स के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं कंडक्ट किए गए, विच पर नंबर वन द ग्रेट इल्यूमिनेशन 1924 to 27, 3 साल तक ये एक्सपेरिमेंट आपका चला। नेक्स्ट रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट विच वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 1927 to 1928, 1 ईयर। थर्ड द ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड मास इंटरव्यू प्रोग्राम, इट वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 1928 to 1931। एंड द लास्ट बींग सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट, इट वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 1931 to 1932। तो ये चार फेजेस के अंदर आपके जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हुए, राइट। सो ऑल ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूट द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स। इन सबको मिला के, इन चारों एक्सपेरिमेंट्स को मिला के आपके जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बनते हैं। अब इनको हम एक एक करके देखते हैं फटाफट। नाउ द फर्स्ट बींग द ग्रेट इल्यूमिनेशन। नाउ वट इज द मीनिंग ऑफ इल्यूमिनेशन? इल्यूमिनेशन मीन्स लाइट, लाइटिंग, एक जगह पे लाइटिंग कैसी है, ठीक है। तो इनिशियली इट वॉज स्टार्टेड बाय द नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। तो ऐसा नहीं है कि म्यो ने ही शुरू करी, पहले ये नेशनल रिसर्च काउंसिल ने जो है स्टार्ट की थी। क्यों स्टार्ट करी? टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन और लाइट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। कि एक रूम के अंदर या एक जगह पर अलग अलग लेवल जो है लाइट का, अलग अलग रोशनी के जो अमाउंट है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या उसका इफेक्ट होता है, असर होता है किस पे? वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे। तो अगर लाइट बढ़ाएंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और वाइस वर्सा। सो इट वाज स्टार्टेड टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन और लाइटिंग इन अ रूम ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। नाउ व्हाट दे डिड वाज दे constituted two groups of 6 girls each, 6 लड़कियों के दो ग्रुप्स उन्होंने बनाए। एक का नाम था द कंट्रोल ग्रुप और एक था टेस्ट ग्रुप, ठीक है। इन कंट्रोल ग्रुप तो वो था जिसमें जो इनिशियल नॉर्मल कंडीशंस हैं लाइटिंग की, इल्यूमिनेशन की, वो उन्होंने मेंटेन करी। और टेस्ट ग्रुप वो था जिसमें वो चेंजेस लेकर आते रहे, कभी लाइट को ज़्यादा कर दिया, कभी लाइट को कम कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि अलग अलग लाइटिंग के अंदर चाहे वो कम कर रहे थे चाहे वो ज़्यादा कर रहे थे, द प्रोडक्टिविटी वॉज इंक्रीजिंग। जो आउटपुट है वर्कर्स की, उन लड़कियों की, वो बढ़ ही जा रही थी। तो कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आ रहा था कि लाइट बढ़ाएं, बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, कुछ भी करते तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ ही हो रही थी दोनों के दोनों ग्रुप्स के अंदर। तो जो रिसर्च टीम थी इट गॉट कन्फ्यूज, और उसके बाद उन्होंने मेयो को जो है और उनके एसोसिएट्स को जो है वो इनवाइट किया कि वो इस जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करें, उसमें हेल्प करें। तो मेयो ने जब पूरी सिचुएशन आके देखी, व्हेन मेयो स्टडीड द होल सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम्स, ही सेड, उन्होंने क्या कहा, ही propounded that the girls developed a sense of participation due to increased attention of the research team. अब रिसर्च टीम का पूरा ध्यान, वो भी 3 साल के लिए, इन लड़कियों के ऊपर था, 12 लड़कियों के ऊपर था। तो एक इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही थी, दे वर गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन। तो अब आपको कोई बहुत अटेंशन देगा तो आप इन्वॉल्व फील करोगे, ठीक है, आपको एक अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि ये जो है हमारे ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए मेयो ने कहा कि गर्ल्स का जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज़ इंक्रीजिंग, मे बी बिकॉज दे हैव डेवलप्ड अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा अटेंशन दिया जा रहा है। वैसे तो कोई डायरेक्ट इसमें कंक्लूजन निकल के नहीं आया कि लाइटिंग का क्या कनेक्शन है प्रोडक्टिविटी के साथ, बट जो मेयो ने जो कंक्लूजन थोड़ा सा निकाला है दैट वाज दैट प्रोडक्टिविटी इज लिंक्ड टू सुपरविजन एंड मोराल, ठीक है। सुपरविजन कैसे हो रही है और मोराल क्या है उस एम्प्लॉय का, उससे जो है प्रोडक्टिविटी उस पर डिपेंड करती है। प्लस वर्क सेटिस्फैक्शन जो है इट डिपेंड्स अपॉन इनफॉर्मल पैटर्न ऑफ द वर्किंग ग्रुप। जो वर्किंग ग्रुप है उसका इनफॉर्मल पैटर्न क्या चल रहा है उस पर वर्क सेटिस्फेक्शन डिपेंड करती है। ये कोई थ्योरी नहीं थी, ये उनको लगा, ये स्टार्टिंग थी, वैसे कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आया अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ इल्यूमिनेशन एंड प्रोडक्टिविटी, राइट। सो दिस वॉज अ ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड फेज, इट वॉज रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट विच वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 1927 to 1928। इसमें इन्होंने क्या कहा, इसका मेन मकसद क्या था, व्हाट वाज द एम? टू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट चेंजेस इन द वर्किंग कंडीशंस ऑन द वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट वाज द इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट,
ओनली द इल्यूमिनेशन फैक्टर वॉज बींग कंसिडर्ड, खाली लाइटिंग देखी जा रही थी, यहाँ पर और भी चेंजेस जो हैं वर्किंग कंडीशंस में वो लाए गए। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो स्कोप था वो वाइडर था, इट वॉज ब्रॉड, इट वॉज वाइडर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, दैट इज द इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, राइट। अब क्या हुआ, अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं इंट्रोड्यूस किए गए, अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो चेंज किए गए, जैसे कि जो सुपरविजन है उसको फ्रेंडली किया गया, इनफॉर्मल किया गया इंस्टेड ऑफ फॉर्मल, और जो काम करने का टाइम है उसको कम किया गया, द वर्किंग आवर्स वर रिड्यूस्ड, ठीक है, नंबर ऑफ डेज वर रिड्यूस्ड, उनकी जो सैलरी है वो इंक्रीज करी गई, कॉफ़ी ब्रेक्स वर गिवन, फ्री इंट्रैक्शन बिटवीन ग्रुप मेंबर्स, आपस में वो बातचीत कर सकते थे। तो ऐसे ऐसे जो एलिमेंट्स हैं दे वर इंट्रोड्यूस्ड, कुछ भी करें, कोई भी चेंज लेके आ रहे थे जब, तो इट वॉज नोटिस दैट द प्रोडक्शन केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, वेज बढ़ाई तो भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, इनफॉर्मल सुपरविजन की तो भी, अगर थोड़ी टाइट करते तो भी, कुछ भी कर रहे थे तो प्रोडक्शन जो है इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। तो व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड और व्हाट वाज कंक्लूडेड इज दैट सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे सोशल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं उनका एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑन द परफॉर्मेंस एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, दिस वॉज कंक्लूडेड। Now, coming to the third phase of Hawthorne experiments, which is known as Human Attitudes and Sentiments, which was conducted from 1928 to 31. इसको मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो अगर आप मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम आए तो भी एक ही बात है, ठीक है। इसमें क्या देखा गया, जित काफ़ी सारे लोगों का, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लिया गया बाय द रिसर्चर्स, ठीक है। देखा क्या गया कि और काफ़ी इनफॉर्मली बहुत फ्रैंक क्वेश्चंस पूछे गए, उनकी फीलिंग्स पूछी गई, उनको सुपरवाइजर में क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा खुशी उनको कब हुई थी वर्क में, सबसे ज़्यादा गुस्सा उनको कब आया। तो उन्होंने क्या देखा कि जब दो चार दिन हो गए इंटरव्यू के, कुछ दिन हो गए, वर्कर्स जो थे जो काम कर रहे थे जिनका इंटरव्यू लिया गया था उनके एटीट्यूड में काफ़ी चेंज था एंड दिस चेंज वॉज पॉजिटिव, ठीक है। हालांकि एक्चुअल में कोई रिफॉर्म्स जो थे वो नहीं किए गए, ठीक है, प्रैक्टिकली नो रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड, लेकिन वर्कर्स को ऐसा लग रहा था कि हमने अपनी जो फीलिंग है वो बता दी है तो शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, और उनको इम्प्रूवमेंट महसूस हो रही थी, देयर एटीट्यूड वॉज चेंज्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। दिस वॉज कॉल्ड वेंटिलेशन थेरेपी। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, टू स्टीम आउट, जो भी आपके अंदर भरा हुआ है उसको निकालना। तो जो वर्कर्स थे उनका इंटरव्यू इस तरीके से लिया गया था कि उनके अंदर कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स है कुछ हैं वो निकल जाएं, वो वेंटिलेट हो जाएं, ठीक है, और उसके बाद उनका जो सारा ध्यान है वो काम पर लग सके। सो दिस वॉज यूज ऑफ वेंटिलेशन थेरेपी। नाउ रिजल्ट क्या निकले इस मास इंटरव्यू प्रोग्राम के, दैट नो कोरिलेशन वॉज फाउंड बिटवीन द फैक्ट्स एंड द नेचर ऑफ कंप्लेंट्स। आई वुड गिव यू एन एग्जाम्पल ओवर हेयर। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर का जो इंटरव्यू हुआ उसमें उनसे पूछा गया कि उनको काम करना नहीं पसंद था, तो रीज़न क्या निकल के आया, उन्होंने कहा, शी टोल्ड दैट द फेस ऑफ द सुपरवाइजर, जो उनके सुपरवाइजर हैं उनकी शक्ल जो है मिलती थी उनके फादर से, स्टेप फादर से, जो कि उनकी मदर को काफ़ी बीट करते थे, राइट। सो द फेस ऑफ द सुपरवाइजर रिलेटेड वो सिमिलर टू हर स्टेप फादर, राइट, हु यूज़ टू बीट हर मदर एंड हर व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। तो इस चक्कर में, क्योंकि उनकी शक्ल जो है मैच करती थी उनसे, उनको सुपरवाइजर नहीं पसंद था। तो अब देखिए, यहाँ पर उस सुपरवाइजर की कोई गलती नहीं है, तो देयर वाज नो रिलेशन बिटवीन द फैक्ट्स एंड द नेचर ऑफ कंप्लेंट्स। इसका मतलब क्या है कि जो आपके जो वर्कर्स हैं दे आर सोशल बींग्स, उनकी कुछ फीलिंग्स हैं अटैच या इमोशंस हैं जो कि मैटर करती हैं, डिपेंड करती हैं, ना कि सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बल्कि बाहर के फैक्टर्स पर भी, राइट। So workers are not inert, they are social animals. This was the conclusion that they are social animals and they get affected by different situations around them. So प्लस एक जो ऑब्जर्वेशन सामने आई, दैट वॉज चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ सुपरवाइजर्स। अब सुपरवाइजर्स को पता था कि उनके नीचे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनसे इंटरव्यू किया जा रहा है, और इंटरव्यू के अंदर वो सुपरवाइजर्स के बारे में पूछा जा रहा था कि आपके सुपरवाइजर आपको कैसे ट्रीट करते हैं, राइट। तो इससे क्या हुआ, नेचुरली जो सुपरवाइजर हैं वो पॉजिटिवली थोड़ा अच्छा बिहेव करने लग गए, ताकि उनकी कोई कमी जो है वो सामने निकल के ना आए, राइट। सो दिस वॉज अ मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम और द ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स।
Now, the last phase of the Hawthorne experiments was the social organization, which was conducted from 1931 to 32. इसको दूसरा नाम है बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट. अब इससे जितने पहले जो तीन फेजेस हमने करी हैं उसके अंदर वर्कर्स को पता था कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है. नाउ टू ऑब्जर्व द वर्कर्स इन द नेचुरल सेटिंग, ताकि उनको पता ना लगे और नेचुरली उनको ऑब्जर्व किया जा सके, जो रिसर्चर्स हैं वो खुद वर्कर बनकर जो है एक डिपार्टमेंट में घुस गए. दिस वॉज अ बैंक वायरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पर जो वायरिंग का जो काम है वो किया जाता था, राइट. तो अब वहाँ पर काम करके क्या हुआ, जो रिसर्चर्स जब खुद घुसे उस डिपार्टमेंट में, व्हेन दे देमसेल्व्स एंटर्ड एज वर्कर्स एंड वर्कड, उन्होंने क्या देखा, व्हाट डिड दे फाइंड. इट वॉज नंबर वन, एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए थे विच वर इनफॉर्मल इन नेचर. सेकेंडली, इनफॉर्मल स्टैंडर्ड्स ऑफ आउटपुट वर सेट. तो ना कि सिर्फ ग्रुप्स बने हुए थे, इन ग्रुप्स ने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखे थे विच वर लोअर देन द फॉर्मल स्टैंडर्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर्मल स्टैंडर्ड है टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स, तो इन्होंने अपना एक इनफॉर्मल स्टैंडर्ड रखा हुआ था कि हम 8 से ज़्यादा यूनिट जो है प्रोड्यूस नहीं करेंगे. प्लस थर्ड क्या था, ऐसा क्यों था, कम क्यों सेट कर रखा था, क्योंकि उस टाइम पे जो वेजेस थे वो ग्रुप वर्क के ऊपर जो थे वो दिए जाते थे. तो ऐसा ना हो, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखिए, सारे के सारे 8 प्रोड्यूस करेंगे तो किसी का ना ज़्यादा फायदा होगा ना ज़्यादा नुकसान होगा. थर्ड, इनफॉर्मल प्रेशर वॉज यूज टू सेट राइट द एरिंग मेंबर्स एंड स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट वॉज फॉलोड. पहली बात, इनफॉर्मल ग्रुप के अंदर भी एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाता था. प्लस अगर कोई मेंबर जो है वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है तो इनफॉर्मली जो है उस पर प्रेशर जो है, पीयर प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जाता था. नाउ व्हाट वर दीज कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स, 4 जो मेन रूल्स हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट की लाइंस हैं वो हमें मिलती हैं. नंबर वन, वन शुड नॉट टर्न टू मच ऑफ वर्क, इफ़ वन डज ही इज़ अ रेट बस्टर. एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका स्टैंडर्ड जो है आपको फॉर्मली जो मिला हुआ है मैनेजमेंट की तरफ से, वो है आपको 10 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं एक दिन के अंदर, ठीक है. अब इनफॉर्मली जो है आपका स्टैंडर्ड जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनफॉर्मल जो ग्रुप है, उसने बोल दिया 8 यूनिट हम तो प्रोड्यूस करेंगे. लेकिन कोई है जो क्या करता है, ज़्यादा ताकि वो काम कर सके, वो क्या करता है, वो 12 यूनिट प्रोड्यूस करता है. तो उन्होंने कहा है कि कोई ज़्यादा काम नहीं करेगा जितना फॉर्मल सेट हुआ है. अगर वो काम ज़्यादा करता है तो उसको रेट बस्टर का जो है नाम दिया जाता था. और सेकेंड क्या है कि अगर ज़्यादा नहीं करना तो कम भी नहीं करना. अगर इनफॉर्मल में 8 यूनिट बोले गए हैं तो वन शुड मेक 8 यूनिट्स एंड नॉट लेस देन 8 यूनिट्स. ऐसा नहीं कि कोई 6 यूनिट्स बनाया जा रहा है. तो अगर ऐसे कोई कम आउटपुट देगा जो इनफॉर्मल स्टैंडर्ड है उससे भी, ही विल बी कॉल्ड चिजलर. चिजल का मतलब होता है छीनना. तो जो आपने आउटपुट है जितनी स्टैंडर्ड है उसको भी कम कर दिया, उसको छीन दिया, उससे भी कम प्रोड्यूस किया. थर्ड बींग, वन शुड नॉट टेल अ सुपरवाइजर एनीथिंग डिट्रीमेंट टू एन एसोसिएट और एल्स वन इज अ स्क्वीलर. स्क्वीलर का मतलब है चुगलखोर. सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज, वन शुड नॉट स्क्वील, वन शुड नॉट टेल द सीक्रेट्स ऑफ द इनफॉर्मल ग्रुप टू द सुपरवाइजर. आपको चुगली नहीं करनी है किसी के बारे में भी. लास्ट बींग, वन शुड नॉट अटेम्प्ट टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस और एक्ट ऑफिशियस. इसका मतलब है ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, ज़्यादा अकड़ में नहीं रहना है, ठीक है. ऐसा नहीं कि दूर दूर रहो या अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रहो, ग्रुप के साथ आपको मिलके चलना है. इस इवन इफ़ यूर इंस्पेक्टर, अगर आपकी पोजीशन इंस्पेक्टर की है और अगर आप इनफॉर्मल ग्रुप के मेंबर हैं, फिर भी आपने इंस्पेक्टर की तरह एक्ट नहीं करना है ग्रुप में. मतलब आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपका इनफॉर्मल ग्रुप जो है वो होनी चाहिए. तो ये कोड ऑफ कंडक्ट था जो देखा गया लास्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर. फाइंडिंग्स क्या रही कि द वर्कर्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म स्मॉल सोशल ग्रुप्स. हर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर वर्कर्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स बनाएं, जिनको उन्होंने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का जो है नाम दिया. नाउ सेकेंडली, जो वर्कर्स हैं दे रिएक्ट टू मैनेजमेंट नॉट एज इंडिविजुअल्स बट एज मेम्बर्स ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप. अब मैनेजमेंट का कोई भी डिसीजन होता है उस पर जो रिएक्शन आता है वर्कर्स का, इट इज़ नॉट एज इंडिविजुअल्स, दे डू नॉट रिएक्ट एज इंडिविजुअल्स बट एज मेम्बर्स ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स. तो जैसे वो इनफॉर्मल ग्रुप की जो पूरी एक धारणा बनती है, उस जो भी ऑर्डर आया है उसकी तरफ जो रिएक्शन बनता है, वो एक कलेक्टिव रिएक्शन होता है एक इनफॉर्मल ग्रुप का. लास्ट इज अ न्यू मिक्स ऑफ मैनेजरियल स्किल्स is required to maintain these informal groups within the formal organization. क्योंकि अब एक
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है दैट डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल ग्रुप्स. तो देयरफॉर हमें एक न्यू सेट चाहिए, मिक्स चाहिए मैनेजरियल स्किल्स का, जो कि इन इनफॉर्मल ग्रुप्स को मैनेज कर सके, ताकि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके. तो ये थी फाइंडिंग्स ऑफ द बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट, विच वॉज द लास्ट फेज ऑफ हॉथॉर्ने एक्सपेरिमेंट्स. तो अब हमने हॉथॉर्ने स्टडीज़ के अंदर ग्रेट इल्यूमिनेशन भी कर लिया है, रिले असेंबली भी कर लिया है, ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटीमेंट्स भी कर लिया है, एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी कर लिया है. ये चारों के चारों एक्सपेरिमेंट्स जो हैं दे आर एक्सप्लेन्ड इन द बुक मैनेजमेंट एंड द वर्कर, विच वॉज रिटन बाय रॉथलिस बर्जर एंड डिक्सन इन 1939. पहले भी बताया है, दोबारा रिमाइंड कर दिया. अब हमने स्टार्टिंग में स्लाइड देखी थी जिसमें हमने कहा था तीन मेन एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे. फर्स्ट इंक्वायरी हो गया है, हॉथॉर्ने स्टडीज रह गया, एंड नाउ लास्ट इज एब्सेंटीज्म इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. सब बुक्स में नहीं होता, किसी किसी में छोड़ रखा है, स्टिल आई एम कवरिंग ओवर हेयर. तो देखा गया गया इन 1943 कुछ हमारी इंडस्ट्रीज थी एयरक्राफ्ट की, उसके कुछ यूनिट्स थे इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ठीक है, जो मेटल से रिलेटेड जो काम है वो करते थे. उन पर्टिकुलर दो यूनिट्स के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर लेबर टर्नओवर बहुत ज़्यादा थी. अगेन लेबर टर्नओवर मींस दैट अ नंबर ऑफ लेबर वाज लीविंग, वहाँ पे कोई टिकते नहीं थे जो लेबरर्स थे, राइट. सो मेयो ने क्या किया, मेयो को बुलाया गया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. उस टाइम वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, ठीक है, तो उनको बुलाया गया कंपेयर करने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो उन्होंने क्या करा, जिन इस्टेब्लिशमेंट्स में प्रॉब्लम थी उनको कंपेयर किया बाकी इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ, जहाँ पे कोई टर्नओवर नहीं था, यहाँ पे जो लेबर टर्नओवर था जो बहुत कम था, जो अच्छा परफॉर्म कर रही थी उनके साथ कंपेयर किया. व्हाट ही फाउंड वाज दैट अदर एस्टैब्लिशमेंट हैड ग्रुप वेज स्कीम्स. तो उनको जो पैसा मिल रहा था, तनख्वाह मिल रही थी, इट वाज बेस्ड ऑन ग्रुप आउटपुट. तो उनके बीच में इंटरेक्शन होती थी, राइट, दे यूज टू इंटरैक्ट, दे यूज टू एक्ट एज अ ग्रुप. बट ये जो इस्टेब्लिशमेंट्स थी जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, यहाँ पे कोई इनफॉर्मल ग्रुप्स थे ही नहीं. स्टार्टिंग से सिस्टम ऐसे चल रहा था कि कोई इनफॉर्मल ग्रुप्स नहीं थे. तो मेयो ने क्या सजेस्ट किया, दैट द मैनेजमेंट है इट शुड एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स. यहाँ पे इनफॉर्मल आएगा, ये मिस्टेक हो गई है, दैट इट शुड एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स एंड टू ट्रीट वर्कर्स एज ह्यूमंस एंड नॉट कॉग्स इन अ मशीन. एक मशीन के पार्ट्स नहीं हैं जो वर्कर्स हैं, वो उनको इंसानों की तरह ट्रीट करो और उनको एनकरेज करो कि वो इनफॉर्मल ग्रुप्स जो हैं वो बनाएं, राइट, ताकि उनके अंदर इंटरेक्शन हो, वो अच्छे से काम कर सके, उनके अंदर ग्रुप फीलिंग जो है वो आए. तो ये था हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट, विच वॉज एब्सेंटीज़म इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. तो हमारा फर्स्ट इंक्वायरी भी हो गया, हॉथॉर्ने स्टडीज़ भी हो गया, और लास्ट जो है एब्सेंटीज़म इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी हो गया. तो जो मेयो ने एक्सपेरिमेंट किए इनको तो हमने डिटेल में कवर कर लिया, वी हैव कवर्ड ऑल द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय मेयो सेपरेटली एंड इन डिटेल. नाउ वी शैल बी लुकिंग इन टू द थियोरी, ह्यूमन रिलेशंस थियोरी, द मेन पॉइंट्स और द मेन प्रपोजिशंस प्रपोज्ड बाय ह्यूमन रिलेशंस थियोरी. अब हम देखेंगे कि जो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है उसमें मेन मेन चीज़ें क्या हैं. है यही जो हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है, बस हम उसको एक बार अलग से रिवाइज कर लेंगे. नाउ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच क्या कहती है, नंबर वन, इट एडवोकेट्स द कंसेप्ट ऑफ सोशल मैन. इंसान जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, इसका मतलब उसकी कुछ सोशल नीड्स होती हैं. अ मैन वॉन्ट्स टू फील belonged to some group, उसको कुछ सामाजिक ज़रूरतें होती हैं, उसको एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए होता है. ही wants to associate himself with a group. आप अलग अलग नहीं रह सकते हो, ठीक है. तो ये किसने बोला, हमारा ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच ने. सेकेंड इट सेड वॉज पीपल आर हेट्रोजीनियस, सब लोग समान नहीं हैं, एक तरीके के नहीं होते, हर कोई अलग अलग है. दे आर हेट्रोजीनियस, एवरी वन इज़ यूनिक, हर कोई अलग है, बिल्कुल यूनिक है. थर्ड, इट एम्फोसिस ऑन इनफॉर्मल ग्रुप्स, ये तो हम देख ही चुके हैं. इनफॉर्मल ग्रुप्स से बहुत ज़्यादा जो एम्फोसिस है वो दिया किसने, ह्यूमन रिलेशंस थियरी ने, कि एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है कि उसके इनफॉर्मल ग्रुप्स कैसे काम करते हैं. देन इट रिजेक्ट्स डेविड रिकार्डोज रैबल हाइपोथेसिस. नाउ व्हाट इज दिस रैबल हाइपोथेसिस, देखो रैबल मीन्स क्राउड, मॉब. अब आप बताइए कि एक जो क्राउड है, डज इट गैदर विद अ पर्पस, नहीं, क्राउड जो है एक पर्पस से नहीं होता, वहाँ पे सब लोग अपने अपने मतलब से होते हैं. तो रैबल हाइपोथेसिस से जो हाइपोथेसिस है, इट सेज जो कि जो बेसिक नेचर है ह्यूमन बीइंग्स की वो बहुत सेल्फिश है, ठीक है, और जब तक उनका मतलब होता है वो एक साथ हो जाते हैं, और जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है, व्हेन द इंटरेस्ट्स आर सर्व्ड दे
डिसइंटीग्रेट, वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद द होल ग्रुप. तो इसको रिजेक्ट किया क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है इनफॉर्मल ग्रुप्स की, जहाँ पे वो कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, टीम स्पिरिट की बात कर रहे हैं. तो जो मेयो हैं, ही रिजेक्टेड द रैबल हाइपोथेसिस गिवन बाय डेविड रिकार्डो. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट जो दिस थियरी एडवोकेट्स पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. वॉट इज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, कि पार्टिसिपेशन हो, किसकी पार्टिसिपेशन हो, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन हो किसकी, वर्कर्स की. वर्किंग कंडीशंस को डिसाइड करने के लिए अगर कोई डिसीजन लिए जाते हैं तो उसमें जो वर्कर्स हैं उनके भी बात सुनी जाए, उनकी भी जो डिसीजंस हैं वो लिए जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, अगर मैं कंसाइज में बात करूँ, राइट. नो लेट अस लुक एट द क्रिटिसिज्म. कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ऐसे बोल के किसने जो है इस थियरी को क्रिटिसाइज किया. नाउ नंबर वन, एलेक्स केरे, इन्होंने क्या कहा कि हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट जो है इनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, प्लस जो स्टार्टिंग के एक्सपेरिमेंट्स है जिसमें 5 ही लड़कियों का ग्रुप बनाया गया, वो बहुत स्मॉल ग्रुप है कोई जनरलाइजेशन देने के लिए, रिलायबल जनरलाइजेशन देने के लिए, द सैम्पल ग्रुप इज टू स्मॉल, राइट. द सेकेंड इज यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स, दे कॉल्ड ह्यूमन रिलेशनिस्ट्स एज काउ सोशियोलॉजिस्ट, जैसे काउ एक गाय को पुचकार पुचकार के काम किया जाता है, ऐसे उन्होंने उसको रिलेट करके उसको कहा काउ सोशियोलॉजिस्ट. नंबर थ्री, पीटर ड्रकर, ही नेग्लेक्टेड द नेचर ऑफ वर्क, इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन रिलेशनिस्ट्स हैं उन्होंने काम की नेचर क्या है इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है, और सिर्फ जो सारा ध्यान है वो इंटरपर्सनल रिलेशंस पे दिया है, राइट. इकोनॉमिक डायमेंशंस को भी उन्होंने बिल्कुल कंसीडर नहीं किया है. फोर्थ, डेनियल सेल, वो क्या कहते हैं कि इनकी जो मेथडोलॉजी है ह्यूमन रिलेशनिस्ट्स की वो डिफेक्टिव है, मतलब उनके रिसर्च की जो मेथड उन्होंने अप्लाई किया वही डिफेक्टिव है, तो उसके रिजल्ट सही कैसे होंगे. नेक्स्ट, बेंडिक्स एंड फिशर कहते हैं दैट एथिकल प्रीसपोजिशंस आर नॉट क्लियरली डिफाइंड. किसी भी थ्योरी से पहले कोई ना कोई हम सपोजिशंस लेके चलते हैं, तो एथिकल जो सपोजिशंस हैं वो कोई डिफाइन ही नहीं किया कि वो क्या मान के चल रहे हैं, क्या एथिकली सही है क्या नहीं सही है, उसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं ह्यूमन रिलेशन थियोरिस्ट. नेक्स्ट इज लॉरेन बैरेट्स, इन्होंने क्या कहा कि ये जो थियोरी है इट इज़ प्रो मैनेजमेंट एंड एंटी यूनियन. यूनियन को सपोर्ट नहीं कर रही क्यों, क्योंकि कोई लड़ाई का स्कोप ही नहीं है वहाँ पे, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का स्कोप ही जो है एल्टन म्यू लेकर नहीं चल रहे हैं. मेन जो एक काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई वो ये थी दैट द बिहेवियर ऑफ वर्कर्स वॉज नॉट नेचुरल एंड इन्फ्लुएंस्ड बाई फीलिंग्स ऑफ अटेंशन एंड पब्लिसिटी. अब 8 सालों तक एक्सपेरिमेंट जो है चले, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम तक क्या हुआ, अटेंशन मिली जिनके ऊपर रिसर्च हो रही थी, सबको पता था कि हमारे ऊपर रिसर्च हो रही है, पूरी दुनिया की नज़र हमारे ऊपर है, तो वो जानकर अच्छा काम कर रहे थे, जान के प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे थे, उनका जो बिहेवियर इट वॉज नॉट नेचुरल, ऐसे कहकर इस थियरी को क्रिटिसाइज किया गया है. लास्ट बीइंग देयर वॉज नो प्लेस फॉर टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन म्यूज फिलोसफी, हम कर चुके हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट टेंशन की कोई बात नहीं करते हैं. तो ये है मेन क्रिटिसिज्म. इसमें से काउ सोशियोलॉजिस्ट के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, हॉथोर्न इफेक्ट के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आया है, राइट. हाँ, ये क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं. तो क्या बिल्कुल ही ख़राब थी इतनी क्रिटिसिज्म पढ़ने के बाद? नहीं, आज भी एक जो मेजर चेंज है बिल्कुल क्लासिकल थियोरी के अगेंस्ट जो बोला गया, एक मेजर चेंज लेके आए कौन, ये ह्यूमन रिलेशन थियोरी. आगे इसके ऊपर और स्टडी हुई और उसके बाद हमारी आई बिहेवियरल थियोरी विच वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आप मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. वॉट इज़ द फीडबैक, यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. इन केस यू हैव एनी कॉन्टेंट रिलेटेड डाउट्स तो आप फेसबुक पेज पर जाकर मेरे को डायरेक्ट मैसेज जो है कर पूछ सकते हैं. सो दैट्स इट. स्टे ट्यून्ड, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड हैव अ वेरी नाइस डे.